हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन। तो गाइस, अगर आप वो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी फ्रेशर है उनके लिए, जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन कौन सी क्वेश्चन उनको पूछे जा सकती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी हमारा कॉलम का जो भी रेन्फोर्समेंट है उसके बारे में, उसकी लैपिंग, उसका जो स्टीरअप्स की डिटेल्स है, मिनिमम RCC वर्क कितना होता है, या फिर टेस्ट कौन कौन से स्ट्रक्चर पे होते हैं, जो भी क्वेश्चन उनको पूछे जाते हैं उसके लिए हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। या भी कन्वर्जन फैक्टर हो, जो भी हमारे 1 फीट इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, 1 फीट इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस, फीट टू इंचेस, फीट टू सेंटीमीटर, इंचेस टू मीटर, जो भी आपका कन्वर्जन हो आपको ये याद में रहना चाहिए। या फिर कोई फुल फॉर्म्स हो, ये फुल फॉर्म्स तो आपको आने चाहिए। RCC मतलब क्या है, HP क्या है, GP क्या है, इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। और आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग के स्टेप बाय स्टेप कैसे पोस्चर होता है। ये हमारा ग्राउंड जो लेवल के जो नीचे पार्ट है उसको हम कहेंगे सब स्ट्रक्चर, और जो ऊपर है उसको कहेंगे हम सुपर स्ट्रक्चर। ये हमारा पूरा फाउंडेशन है, फाउंडेशन लिफ्ट और कंक्रीट बेड। इसके पूरे डिटेलिंग आप आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। उसके ऊपर है हमारा प्लिंथ लेवल, उसके बाद हमारा कॉलम टू जो भी हमारे डुअल फ्रेम से, फिर उसके बाद आता है हमारा लिंटेल लेवल और फर्स्ट फ्लोर विंडोज फ्रेम, फिर आता है हमारा RCC स्लैब, उसके बाद कोपिंग और बाकी सब आता है। अगर आप वो साइट इंजीनियर के लिए इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको एक सवाल ज़रूर पूछेंगे कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में, सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है और सब स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। फिर उसके बाद पूछेंगे आपको DPC क्या है, वो कहाँ पर एक्टिव होता है। फिर प्लिंथ लेवल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। फिर फाउंडेशन के बारे में, फाउंडेशन की डेप्थ क्या है, विड्थ क्या है, कंक्रीट बेड आप KCC कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर कॉर्बिल और वाल्स, RCC लिंटल के बारे में पूछेंगे। फिर आपको लॉकिंग कोर्स या कॉर्नाइस, फ्रिज, इसके बारे में पूछेंगे, सील लेवल के बारे में। कोपिंग के बारे में भी आपको आना चाहिए, अगर आप साइट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सब ये बेसिक टर्म्स तो आना चाहिए आपके लिए। ये इम्पोर्टेंट है एज ए सिविल इंजीनियर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ आपको आना चाहिए। इसमें आप डिटेल में चेक करें तो हमारी जो पेंट लेवल है उसके नीचे हम DPC प्रोवाइड करते हैं, डैम प्रोप कोर्स, जो भी वाटर लीकेज है वो एब्सॉर्ब करता है वाटर लीकेजेस, वाटर प्रूफिंग करते हैं वहाँ पर। जो भी पिंथ लेवल के हमारे फ्लोर्स होते हैं उनके लिए बीम की डिटेलिंग क्या है, वो बीम के साइजेस वगैरह, स्टील का जो भी डिटेलिंग है वो आप आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आपको पूछेंगे कि आपको पूछा तो डोर फ्रेम के ऊपर या नीचे कौन सी लेवल है, तो नीचे आती है हमारी सील लेवल और ऊपर आती है हमारी लिंटेल लेवल। ओके, जो भी लिंटेल का लेवल है वो आता है हमारे विंडोज़ के ऊपर साइड। तो गाइस, इसमें देखा जाए तो ये हमारा PCC है 6 इंचेस का, उसके बाद स्टेप फाउंडेशन है हमारा, फिर इसके बाद एक कॉलम में कॉलम जंक्शन है इसके ऊपर, फिर हमारे कॉर्बेल से यानी कि फर्स्ट फ्लोर स्लैब है, फिर हमारा फर्स्ट फ्लोर आ जाएगा उसके ऊपर और कॉलम और बीम जंक्शन आ जाएगा, और उसके बाद हमारा सेकंड फ्लोर स्लैब और उसके बाद पैराफिट वॉल आ जाएगी। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको आना चाहिए। आपको आप अगर सिविल इंजीनियर को आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी सीट्स कहाँ पर है, कॉर्नर्स क्या है, कोपिंग क्या है, ब्लॉकिंग कोर्स क्या है, रिविल्स कहाँ कहते हैं, ये सब बिल्डिंग टर्म्स आपको
याद आनी चाहिए। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको जो भी टेस्ट होते कंक्रीट के ऊपर वो तो आना चाहिए आपको, जैसे किसी भी एनालिसिस हो, कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट का, सिल्ट टेस्ट हो, सिल्ट कंटिन्यूस सैंड का, फिर हमारे स्लम टेस्ट हो, यानी कि जो भी हमारा स्लम निकलता है उसकी वर्केबिलिटी की निकलती है हमारे कंक्रीट के ऊपर, वो टेस्ट आपको आने चाहिए। सीमेंट बैग का वेट हो वो रैंडमली आपको आना चाहिए, वो क्यूब टेस्ट हो, हर एक आपको क्वांटिटी वर्क हो कितने मीटर के ऊपर, इसके ऊपर हम क्यूब कास्टिंग करते हैं और वो आप टेस्टिंग के लिए लैब में भेजते हैं। तो उसके ऊपर आप आने वाले वीडियोस में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी के टेस्ट आपको सब आने चाहिए अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो। अगर आप स्ट्रक्चर ऑडिट करना चाहो बिल्डिंग का, तो हम बिल्डिंग के ऊपर कौन कौन से टेस्टिंग करते हैं। जब हमारी बिल्डिंग पुरानी होती है, 50 साल, 70 साल, 100 साल पुरानी होती है, जब हम बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट करते हैं, तब हम जो टेस्टिंग इस्तेमाल करते हैं वो रिबाउंड हैमर टेस्ट और अल्ट्राटोनिक्स टेस्ट। ओके, ये हमारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। और बाकी तो लोड टेस्टिंग होता है और वाटर टाइटनेस टेस्ट फॉर रूफ्स एंड वाटर टैंक। ये जो हमारे टेस्ट है से वो इम्पोर्टेंट है एज ए सिविल इंजीनियर, आपको ये स्ट्रक्चरल ऑडिट में यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करना हो तो इसमें एक रिमोट हैमर टेस्ट है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है, उसमें अल्ट्रासोनिक टेस्ट है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है, रिबाउंड हैमर है वो हमको बिल्डिंग के जो भी पार्किंग के कॉलम से उसमें पैचेस निकालने पड़ते हैं और उसके बाद हैमर की यूज़ करके उसको टेस्ट लेते हैं, सैंपल लेते हैं, कोर कटिंग होती है। अगर आपको स्ट्रक्चरल ऑडिट में डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि जो भी हमारी पुरानी बिल्डिंग है उनकी स्ट्रक्चर ऑडिट कैसे किया जाता है वो आप डिटेल में डिस्कस करेंगे आप आने वाले वीडियोस में। तो गाइस, आप एक सिविल इंजीनियर हो, अगर गाइस आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये तो आना कंपलसरी चाहिए, जो भी हमारा कन्वर्जन यूनिट्स होते हैं वो तो आपको आने चाहिए, यानी कि यार्ड टू फीट, फीट टू मीटर, मीटर टू इंचेस, फीट टू मीटर, स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर, क्यूबिक फीट टू क्यूबिक मीटर, यानी कि आपको इंटरव्यू में भी ये सारे क्वेश्चन आने ही वाले हैं। 1 एकड़ इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट, हाउ मेनी एकड़, हाउ मेनी हेक्टर्स, ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ओके गाइस, अगर आप इस वीडियो में देखोगे तो 1 यार्ड इक्वल टू हमारा होता है 3 फीट। ओके, यानी कि 36 इंचेस, यानी कि हमारा 3 फीट होता है। फिर उसके बाद देखेंगे 1 स्क्वायर यार्ड इक्वल टू 3 × 3 9 स्क्वायर फीट, 1 मीटर इक्वल टू 1.0936 यार्ड, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है। उसके बाद 1 फीट इक्वल टू 0.304 मीटर होता है, 1 फीट इक्वल टू 12 इंचेस होता है, यानी कि 12 इंचेस इक्वल टू 1 फीट। आपको किसी भी इंटरव्यू में आगे पीछे करके क्वेश्चन रैंडमली आपको पूछे जा सकते हैं, आपको ये आना ही चाहिए कंपलसरी आपकी साइड की, यानी कि हमारे 1 स्क्वायर इंचेस इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, हाउ मेनी स्क्वायर फीट, एक कन्वर्जन में आपको प्रैक्टिकली करने आनी चाहिए। 1 इक्वल इक्वल टू हमारा होता है 4046 स्क्वायर मीटर। तो गाइस, ये आपको याद रखना क्योंकि आपको ये आने वाले क्वेश्चन से इसमें। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सिविल डिज़ाइन करके, उसके ऊपर आप जॉब अपडेट पा सकते हैं, या फिर कोई भी आपको बुक्स चाहिए सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आने वाले हमारे ड्राइंग के ऊपर भी एडवेड लेक्चर सीरीज़ भी है, वो भी आप फ्री में देख सकते हैं, उसमें बेसिक टू एडवांस लेवल हमने कवर किया है सब। अगर आपने कुछ वीडियो मिस करके किया
किए हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उसके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हमने इसके ऊपर बनाए हैं, जो भी हमारे बिल्डिंग रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है आरसीसी डिज़ाइन से, उसके ऊपर भी आपको वीडियोस मिलेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।